आप पड़ोसी मुल्क भारत में देखें, उन्होंने दादा भाई फाल्के को भी जिंदा रखा हुआ है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री की इब्तिदा की थी, और उनके जितने भी पुराने छोटे बड़े एक्टर्स हैं उनको उन्होंने संभाला हुआ है, जिंदा रखा हुआ है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने संतोष भाई उनके ख़ानदान को गोया जिंदा रखा है, और आज की जनरेशन की आगाही के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे आर्टिस्ट, दानिश्वर, शायर और कई हुनरमंद हमारे मुल्क में गुज़र चुके हैं। और मुझे नहीं लगता हमारी हुकूमतों ने इतना कुछ नहीं किया, मैं आई एम सॉरी, लेकिन जिस तरह आप कर रही हैं, और ये तमाम तर ज़िम्मेदारी सकाफ़ती इदारों पर आयद होती है, तो मैं कैसे कहूँ, जबकि आप सब मेरे अपने हैं, मेरे लिए आप लोग नए नहीं हैं, ना मैं आपके लिए नया हूँ, फिर मैं आप लोगों को कैसे कहूँ, मर्ज़ाना आपको मैं कैसे कहूँ, संतोष साहब की बहन को आपको मैं कैसे। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक, ओनर ऑफ टीएम ट्रैवल एंड टूर, वीज़ा इमिग्रेशन सर्विसेज से ताल्लुक है मेरा, और आज मैं फरजाना साहिबा के बहुत खूबसूरत से इवेंट में शिरकत के लिए आई हूँ, जो कि बेसिकली लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल को बहुत प्रमोट करती है। लेकिन आज उनका ये म्यूज़िकल इवेंट, ये ट्रिब्यूट जो वो दे रही हैं संतोष फैमिली को, और सबसे बड़ी जो इवेंट की खूबसूरती है वो ये है कि रियाजुल जन्ना के बहुत सारे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है उन्होंने, जिसमें वो बच्चों को ज़िंदगी की सहूलतें फराहम करती है और बहुत इनिशिएटिव लेकर चल रही हैं इस काम को। मैं उनको बहुत दिल से सराहती हूँ, और आज के इवेंट में मिल बैठना तो जस्ट एक बहाना है, और म्यूज़िकल भी इवेंट को भी प्रमोट करना था, संतोष फैमिली को भी हमें दादो तहसीन देने थे, बट हमारा जो मेन टास्क है वो ये है कि रियाजुल जिन्ना के बच्चों के लिए कुछ आसानियां पैदा करें, हम मिलकर उनको भी अपनी जैसी ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है माशाल्लाह, और आज के इवेंट के हवाले से मैं कहूँगी कि जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक शाहिद हो गए, वही पूरा चॉकलेटी जो आई माई फेवरेट वो हो गए, वही और मोहम्मद अली हो गए, मेहंदी हसन हो गए, बहुत सारे इनके हवाले से आज का इवेंट रखा गया है। और दूसरा ये कि यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी भी है, अवार्ड्स दिए जाएंगे और लकी ड्रॉ भी होगा। थैंक यू सो मच। जन्नत मेरी है पाओ मेरे, कौन है जो इनकार करे, मैंने जो कुछ कहा दर गुजर ना करो, अपनी बातों का उम्र भर ना करो, झूला कराची में मारूफ फिल्म स्टार संतोष की याद में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सरातु जन्ना नामी इदारे के बेसहारा बच्चों को नकद इनामात दिए गए। कराची में होने वाली तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ फिल्म स्टार मुस्तफ़ा कुरैशी थे। उनका कहना था, संतोष जैसे आर्टिस्ट सदियों में पैदा होते हैं। प्रोग्राम में बच्चियों को नकद इनामात और गिफ्ट दिए गए। बच्चियां काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र फरजाना इरफान का कहना था, उनका मकसद यतीम और बेसहारा बच्चों की हौसला अफजाई थी। तकरीब में फिल्म इंडस्ट्री की दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। तकरीब में संतोष के भांजे उस्मान मानी भट्ट,
تابندہ قریشی اور دیگر گلوکاروں نے میوزیکل پروگرام میں رنگ بکھیرے اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے اسپیشل گانا ماں مجھ کو جلاورے جھولا بھی گایا گیا جس پہ بچے بہت خوش ہوئے اور آپ بھی ایسے پروگرام میں آئیے اور دیکھتے رہیے اور بے سہارا بچیوں کا ذریعہ بنیے اور اس کے بعد اسپیشل پروگرام جو ہے سنگنگ کا رکھا گیا نیکسٹ پارٹ جو ہے اس کے بعد سنگنگ کا ہے تو پروگرامنگ کا ہے وہ آپ ضرور دیکھیں میوزیکل پروگرام اور اپنا جو ہے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ دیکھیے عمران سیلفی ولاگس دیکھتے رہیے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا تھینک یو سو مچ